कोलीहाट विधानसभा है। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री रोड शो करने आए हैं अपने भाजपा प्रत्याशी फकीर चंद टमटा के पक्ष में, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों में उल्लास है, किस तरह से हर्षोल्लास के साथ लोग किस तरह से यहाँ पर जो माहौल को अपने प्रत्याशी के पक्ष में बनाए जाने की एक कोशिश हो रही है। और ये गंगोलीहाट विधानसभा है, पिथौरागढ़ जनपद का हिस्सा है, और यहाँ से अब ये गंगोलीहाट में एक रोड शो होगा। और यहाँ बहुत सारे लोग जो अपने पहाड़ की कल्चर जो है, जो मतलब लोकगीत हैं, जो परंपराएं, जो सांस्कृतिक हैं, ढोल दमाऊँ सब लोग यहाँ पर इनको लेकर के भी आए हुए हैं। और यहाँ केवल ये राजनीतिक ही नहीं है, देखिए लोगों में मुख्यमंत्री के प्रति यहाँ काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी पिथौरागढ़ ही है, वो डीडीहाट विधानसभा में उनका गांव पड़ता है, लेकिन वो खटीमा में रहते हैं, खटीमा से ही विधायक हैं, लेकिन यहाँ पर उनका लगातार आना जाना बना रहता है। अभी यहाँ देखिए चप्पा चप्पा भाजपा और तमाम तरह मुख्यमंत्री का बहुत ज़बरदस्त स्वागत हो रहा है, और मुख्यमंत्री के स्वागत में मुख्यमंत्री आ जाओ, देखिए मुख्यमंत्री का स्वागत, देखिए मुख्यमंत्री जी बहुत उत्साह है लोगों में, और सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, और कहीं कोई संशय नहीं है। इस बार हम गंगोलीहाट विधानसभा भारी बहुमत से जीतने वाले हैं, और उत्तराखंड भी भारी बहुमत से। गंगोलीहाट विधानसभा में इस बार जो है पूर्ण बहुमत से ऐतिहासिक जीत इस बार होने वाली है। फकीरता को यहाँ सब बढ़िया है। बाकी यहाँ क्या क्या खास मुद्दे हैं? और यहाँ के खास मुद्दे जो हैं, सड़क है, पानी है। गंगोलीहाट विधानसभा में सबसे बड़ी क्षेत्र जो है बेलपट्टी क्षेत्र है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो 60 साल पुरानी पानी की योजना थी, जो मांग थी उस क्षेत्र की, वो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मंजूर कराई और टेंडर हो गए। बैरंग पट्टी एक बड़ा पट्टी है, जिस क्षेत्र में बीजेपी ने अपनी तरफ से वहाँ पे जो हमारी विधायक थी उन्होंने टेंडर कराए, इस बार भरंग पट्टी को भी पेयजल योजना में मिलने वाली है। बेरनाग क्षेत्र जो है, बेरनाग क्षेत्र एक बड़ा शहर है हमारा गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र का, जिसमें बीजेपी की सरकार ने यहाँ पर पानी की जो सबसे मूलभूत समस्या जो थी पानी की, उसको पूर्ण किया, टेंडर डाले, आज हर घर में नल है और कनेक्शन है, पानी मिल रहा लोगों को। ये देखिए मेरे साथ बहुत जोशीले एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पानी की जो समस्या थी वो काफ़ी दूर हो गई है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक रुतबा चल रहा है।